हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु जैनी स्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइस मेकअप के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइस फेस के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लोटस कंसीलर स्टिक। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कंसीलर चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किन टोन से 1-2-2 शेड लाइट कंसीलर यूज करते हैं तो उतने ही आपके आई शेडो वाइब्रेंट लुक देंगे। एक फ्लैट कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी ताकि कोई क्रीज ना रहे। अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ एंड एक लाइट आई शेडो लेके अपने कंसीलर को सेट करूँगी। आई शेडो के लिए मैं यहाँ जैकलिन हिल की आई शेडो पैलेट से दिखाए हुए कलर को एज अ ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई करूँगी। अपने कट क्रीज बनाने के लिए मैं यहाँ एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना कंसीलर अपनी लैश लाइन के बिल्कुल पास लगाना है, फिर आपको ऊपर की तरफ देखना है, आपका कंसीलर ऊपर भी लग जाएगा। इस तरीके से आप इजीली अपनी फेक कट क्रीज क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको फिलअप कर लेना है किसी भी कंसीलर या फाउंडेशन की हेल्प से। अब एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज लाइन को कलर दूंगी। दिखाया हुआ कलर आपको अपने क्रीज लाइन पे काफी बेटर तरीके से अप्लाई करना है। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज आई शेडो को ब्लेंड करूंगी। क्रीज आई शेडो ब्लेंड करने के बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आउटर वी पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने आउटर वी पे ब्लैक आई शेडो यूज कर रही हूँ। याद रखिए आपको ज्यादा डार्क आई शेडो अप्लाई नहीं करना है, करवा चौथ मेकअप लुक है तो ज्यादा ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। एक फ्लैट ब्रश को सेटिंग स्प्रे से वेट करने के बाद मालियों के आई शेडो पैलेट से मैं ये रेड मैट कलर अप्लाई करूंगी अपने इनर वी से लेकर अपने हाफ आई लीड तक। याद रखिए आपको अपना आई शेडो अपने कट क्रीज से ऊपर नहीं लेके जाना है, अपने कट क्रीज तक ही आपको अपना आई शेडो अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ एंड बहुत ही थिन आईलाइनर ड्रॉ करूंगी नियर बाय माय आईलैशेस। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल आईलाइनर। एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को शेप देते हुए उनको फिलअप करूंगी। यूज कर रही हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट फिट मी फाउंडेशन।
एंड डॉट डॉट करके अपने फुल फेस पर अप्लाई करूँगी। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इक्वली स्प्रेड कर लूँगी। याद रखिए, आपका ब्यूटी ब्लेंडर भीगा हुआ होना चाहिए। अगर आप सूखा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर आपका सारा फाउंडेशन सोक कर लेगा और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई कर। के बाद मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, तो अपने फेस को शेडो देने के लिए मैं यहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड कॉन्टोर के लिए मैं जैकलिन हील से ब्राउन आई शेडो लेकर अपने चिक्स पर, अपने नोज़ पर, अपने फोरहेड पर एंड जो लाइन पर कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर कंप्लीट करने के बाद ब्लश के लिए मैं यहाँ HR की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पिंक। एंड ब्लश ब्रश के हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पर, लिटिल बिट अपनी नोज़ पर भी। आपको बहुत ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही लाइट क्वांटिटी में आपको अपना ब्लश अप्लाई करना है जिससे कि नेचुरल ग्लो आए। केटी के हाइलाइटर पैलेट से मैं शैंपियन हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ब्रिज ऑफ द नोज, माय चीक्स, फोरहेड्स, क्यूपिड एंड माय चिन एरिया। हाइलाइटर अप्लाई करने से हाइलाइटर आपके फेस को शाइन प्रोवाइड करता है जिससे आपका मेकअप काफ़ी ग्लोई एंड शाइनी लुक देता है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पीच। इस लुक के लिए मैंने टू शेड्स लिपस्टिक वियर की है, वन शेड पीच एंड सेकंड शेड रेड। एंड रेड शेड में ये लुक कैसे दिखाई देता है ये आपको आगे नजर आएगा। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक का सेटिंग स्प्रे। एंड इसी के साथ मेरा करवा चौथ मेकअप लुक होता है कम्प्लीट। पीच शेड लिपस्टिक यूज़ करने से ये मेकअप कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अगर आप रेड लिपस्टिक वियर करना चाहते हैं तो रेड लिपस्टिक वियर करने के बाद का लुक ऐसा होगा। तो ये है मेरा करवा चौथ मेकअप लुक। आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा? अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर क्रिएट कर सकते हैं। रेड बिंदी, रेड सिंदूर एंड रेड चूड़ा के साथ ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।